नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने बालों को कैसे काला, घना, लंबा, मजबूत, मुलायम और चमकीला बनाएं। साथ ही प्रदूषण के चलते और खानपान की गड़बड़ी के कारण जो बाल समय से पहले पक रहे हैं और झड़ रहे हैं उसे कैसे रोकें। प्रदूषण के कारण हमारे स्कैल्प में धूल, मिट्टी, गंदगी जमा हो जाती है। यह बैक्टीरिया और फंगस को जन्म देती है जिससे बालों की जड़ें कमजोर होती है और वे झड़ने लगते हैं। इसे दूर करने के लिए 4 चम्मच नारियल तेल में 2 चम्मच नींबू का रस और 1 कपूर मिलाकर बालों पर लगाएं। इसे 45 मिनट तक रहने दें, फिर धो लें। नींबू और कपूर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल होते हैं। ये स्कैल्प को साफ रखता है। बालों को घना और मजबूत करने के लिए प्याज का रस उपयोगी है। 2 चम्मच प्याज का रस 2 चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं और इसे भी 45 मिनट तक रहने दें, फिर अपने बाल धो लें। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, वे लंबे और घने होते हैं। बालों की नेचुरल कंडीशनिंग के लिए एलोवेरा बहुत उपयोगी है। 2 चम्मच एलोवेरा का जूस 2 चम्मच नारियल तेल में मिलाकर बालों में लगाएं, इसे भी 45 मिनट तक रहने दें। ये एलोवेरा बालों की नेचुरल कंडीशनिंग करता है। ये बालों को चमकीला और मुलायम बनाता है। केमिकल युक्त, हानिकारक और बहुत महंगे शैंपू लेने के बजाय आंवला, रीठा, सिकाकाई और भृंगराज, इन चारों को समान मात्रा में लेकर पानी में उबाल लें और इस पानी को छान कर रख लें। ये आपका नेचुरल शैंपू तैयार है। आप इसी से बाल धोएं। ये स्कैल्प और बालों को बिना हानि पहुंचाए नेचुरल तरीके से बालों को साफ करता है। पर हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बार बाल ना धोएं। बार बार बाल धोने से वे रूखे और चमकहीन हो जाते हैं। ये तो ही बाहर से पोषण की बात। अब बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए अंदर से भी पोषण जरूरी है। इसलिए हेल्दी खाना खाएं। अपने खाने में अंकुरित अनाज और फ्रूट्स को अवश्य शामिल करें। 2 चम्मच आंवले का पाउडर और 2 चम्मच सप्तामृत लौंग, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इन दोनों को शहद में मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे रात में खाना खाने के बाद लें। इससे बालों की ग्रोथ नेचुरली बढ़ती है, वे लंबे और चमकीले होते हैं। विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठकर गुनगुनी धूप में 10 से 15 मिनट हमें घूमना चाहिए। इससे शरीर में नेचुरली विटामिन डी बनता है। और एक्सरसाइज के साथ साथ शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंचता है। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। दोस्तों, इस प्रकार हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।